दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मनुष्य धरती पर कैसे आए? क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास आज से लाखों साल पुराना है? जी हाँ दोस्तों, लाखों साल पहले धरती पर आज जैसा कुछ नहीं था। यहाँ सब और भारी भरकम जानवर ही मौजूद थे। आज हम मनुष्य विकास के अलग स्तर पर पहुंच गए हैं, और तो और हम तो चांद पर भी पहुंच गए हैं। सौर मंडल पर न जाने कितने सारे सैटेलाइट्स भी हम पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, प्रकृति आज हम पर बहुत मेहरबान है। आज हम इंसानों ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का जमकर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाखों साल पहले जब जीव जंतुओं और वनस्पति के बाद मनुष्य का सृजन हुआ, तो हालात ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आज से करीब 35 लाख साल पहले ऐसे एप्स धरती पर आए जो बंदरों से थोड़ा हटकर दो पैरों पर चलते थे। इसके साथ ही धरती पर परिवर्तन होता चला गया, और आज से करीब 25 लाख साल पहले ऐसी प्रजाति धरती पर आई जो पत्थरों से हथियार बनाती थी, और उस औजार से वह जंगली जानवरों का शिकार कर उसके मांस का सेवन करती थी। उसके बाद खोज हुई आग की ओर, यही से सिलसिला शुरू हुआ शोध और आविष्कारों का। इसके बाद हमारे पूर्वजों को समझ आया कि एक के बाद एक इन्हें अब ढेर सारे आविष्कार करने हैं। समय का पहिया इसी तरह घूमता रहा, और सालों तक मनुष्य की अलग अलग प्रजाति नए नए शोध और विकास के साथ बढ़ती चली गई। पत्थर से शुरू हुई आविष्कार की कहानी जो आज भी थमी नहीं है। आज भी हम नई नई चीज का आविष्कार करते ही रहते हैं। टेलीस्कोप के आविष्कार से इंसान ने धरती पर बैठकर ही यूनिवर्स की पूरी शेयर कर ली। आज हमारे पास यातायात के कई साधन हैं, लेकिन आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई साधन नहीं था। हजारों साल, हजारों किलोमीटर का रास्ता यह लोग पैदल चलकर ही पार करते थे। पहाड़ों पर चढ़ते थे और नदियां पार करते थे। ऐसे ही चलते चलते इन्होंने खोज निकाली कोयले की खान। इसके बाद बिजली जैसे महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार हुआ। हमारे विश्व में कई संस्कृति या ऐसी है जो सूर्य को देवता की तरह पूजती है। आखिर सूर्य की किरणों से ही हमें रोशनी मिलती है, और इसी से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, इसी से दुनिया को उजाला मिल पाता है। दोस्तों, लेकिन मानव सभ्यता को जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। साथियों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर राज करते थे डायनासोर्स। तब धरती पर एक एस्ट्रोनेट के टकराने से विनाशकारी प्रलय आया, और चारों ओर तबाही मच गई। धरती के लगभग 75% जानवरों का अंत हो गया था। जो जानवर 25 किलो से ज्यादा वजन वाले थे, उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और धूल के बादलों की वजह से बहुत सारा अंधेरा धरती पर छाया रहता था। ऐसे हालातों को सुधरने में धरती पर कई साल लग गए, और उसके बाद वह समय आया जब मैमल्स के रूप में स्तनधारी जानवरों ने धरती पर रहना शुरू किया। पहले मैमल्स जमीन के अंदर ही रहते थे, और भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों को सेवन करते थे, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ और खाने को नहीं मिलता था। उसके बाद 5.6 करोड़ साल पहले एक प्रजाति जो धरती पर आई, वह थी बंदर, और बनावटी तौर पर यह आधुनिक काल के बंदरों से बिल्कुल अलग थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके शरीर में काफी बदलाव आया, और जिस अंग में सबसे पहले उत्थान हुआ वह था दिमाग। जी हाँ, इनके दिमाग में मौजूद फोरमैन मैग्नम शरीर के निचले हिस्से में सीधा जा मिला, और इसके बाद यह प्रजाति 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लगी। लेकिन तब भी यह थोड़ा झुक कर ही चलते थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह प्रजाति पाई कहाँ जाती थी। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती के ट्रैक्टोनिक ने धीरे धीरे से सरकना शुरू किया। तब भारत अफ्रीका के महाद्वीप से हटकर एशिया महाद्वीप से आकर टकरा गया। ट्रैक्टोनिक प्लेट्स के आपस में लड़ने की टक्कर से निर्माण हुआ पहाड़ों का। जब यह प्लेट्स आपस में टकराई तो भारी प्लेट नीचे रह गई, और हल्की वाली प्लेट सतह पर आ गई, और ऐसा होने में करोड़ों साल लगे। तब बनी विश्व की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ इतनी ऊंचाई तक थे कि इनकी वजह से धरती पर लगातार मौसम में परिवर्तन होने लगा। तब यह हमेशा गर्म रहने वाली धरती पर ठंडा मौसम भी होने लगा। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती थी, और सूर्य की रोशनी से पिघलकर न जाने कितनी नदियां बहने लगी थी। धरती पर सब कुछ सामान्य सा होता दिख रहा था। 1 करोड़ साल पहले धरती पर जानवर, वनस्पति और नदियां सब कुछ अपना अपना रूप लेकर आगे बढ़ रहे थे। आसमान साफ होने से हरियाला बढ़ी, और जंगलों में इसके बाद कई तरह के अलग अलग जानवरों ने जन्म लिया। ऐसे जानवर जो पूरी तरह से पेड़ पौधों पर ही निर्भर थे, वह केवल पेड़ पौधे ही खाया करते थे।
लेकिन दोस्तों जैसे कि प्रकृति का नियम है, चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट हुई, इसके निर्माण हुआ एक और पर्वत श्रृंखला की, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, जिससे धरती के तापमान में काफी फर्क आने लगा। जहां पहले बारिश और ठंडे मौसम होते थे, अब बारिश होना बिल्कुल बंद हो गई और अफ्रीका में जंगलों में रहने वाले एप्स को सूखा पड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों यह एप्स ही हम मनुष्य का इतिहास है। जी हाँ, यही है हमारे पूर्वज। एप्स की इस प्रजाति को पायरोलेपिथेक्स कहते हैं। भारी भरकम वजन वाले एप्स धरती पर न रहकर पेड़ों पर ही रहते थे। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। खाने में ज्यादातर फल ही खाते थे और जमीन पर बिल्कुल नहीं चल पाते थे। समय के साथ साथ कुछ एप्स चिंपैंजी तो कुछ गोरिल्ला बने, तो कुछ मनुष्य बनने की रेस में आगे बढ़े। जंगलों में सूखा पड़ने की वजह से पेड़ पौधे नष्ट होने लगे और एप्स को खाने पीने की कमी आने लगी, क्योंकि उनके पास ना रहने के लिए कुछ बचा था और ना ही खाने के लिए। तो कुछ सालों बाद समय और हालात के साथ समझौता करते हुए एक और प्रजाति ने जन्म लिया, जिसका नाम था एलईडी पिहेकस रिमेडस, जिन्होंने धरती पर चलना शुरू किया। क्योंकि इन्हें अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ तोड़कर लाना ही पड़ता था, इसलिए इन्हें पैरों का इस्तेमाल करके चलना था। माना जाता है कि इनकी ऊंचाई 4 फीट थी और दिमाग संतरे के पल के बराबर था। फिर 83 लाख साल पहले जन्म लिया होमो हैबिलिस ने, जिनका जन्म जीवन काफी बदल गया था। इन्होंने पत्थर से नए हथियार बनाए और उन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हथियार बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारी पत्थरों से औजार बनाते बनाते इनकी उंगलियों की बनावट भी बदल गई और वह पहले के मुकाबले और बहुत मजबूत हो गए थे। हजारों साल तक यूं ही इनमें विकास होता चला गया और इसके बाद जो प्रजाति धरती पर आई वह थी होमो इरेक्टर्स, जो ज्यादातर एक साथ एक समूह में रहकर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। और यहीं से शुरुआत हुई उनके परिवारों के बढ़ने की। दोस्तों उस समय उनके पास में घर भी नहीं था और ना ही छत, या खुले आसमान के नीचे जमीन पर ही एक समूह पर रहते थे, खाते पीते शिकार करते और सोते थे। इस प्रजाति के महिला और पुरुषों के शरीर की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। इन्होंने ही मिलकर आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार दूसरे जानवरों से बचने के लिए और मांस को पकाकर खाने के लिए करने लगे थे। आग पर पकाकर खाने से मांस काफी नरम हो जाता था, जिससे इन्हें खाने में और पचाने में काफी आसानी होने लगी। इससे जो मेहनत खाना चबाने में करते थे, वह मेहनत कुछ समय और दूसरे काम में लगाने लगे, जिससे बाद में यह तरह तरह के नए आविष्कार कर पाए। यहीं से शुरू हुई मनुष्य के विकास की कहानी, जो आज तक चलती आ रही है। इसके बाद जो प्रजातियां आई, उनमें सांस की नली धीरे धीरे नीचे आने लगी, जिससे इन्होंने आवाज निकालना शुरू किया और बोलने भी लगे। इशारों में बात करने वाले लोग अब संवाद करने लगे थे और यहीं से उत्पत्ति हुई लैंग्वेज की। यह भी सच है कि आज भी विकास का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। हम इंसानों का खोज भी कहां से कहां पहुंच गई। जी हां, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक हमारे पास क्या नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी न जाने कितने बदलाव और देखेगी। लेकिन सोचिए उस समय के बारे में, जब मनुष्य के पास रहने के लिए न तो कुछ घर था और ना ही कोई सुविधा। आज के आधुनिक समय में जो कुछ भी हमारे पास है, उन सब का आविष्कार इंसानों ने खुद ही किया है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर अपनी तरफ से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।